गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए से ब्लॉग में। अभी मैं हूँ वॉकिंग स्ट्रीट में, जो कि दिन का ये व्यू है। और अभी सुबह 10:30 का टाइम हो रहा है और मैं जा रहा हूँ कोहलान आइलैंड, जो कि वॉकिंग स्ट्रीट को पार करके ही जो जहाँ से फेरी बोट वो सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी मैं दिन में पार कर रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट को। अभी इधर सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, और जो ये वॉकिंग स्ट्रीट है लगभग पूरी तरह से ओपन हुआ नहीं है, क्योंकि रात को मैं यहाँ पे आया था और रात की वीडियो भी डेफिनेटली जल्दी ही जो यहाँ वाली है वो भी जल्दी ही आने वाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी जहाँ से मुझे बोट लेके जाना है कोहलान आइलैंड। तो कोहलान आइलैंड आज वहाँ उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक छोटा सा आइलैंड है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना, दिन में तो भाई पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे रात को क्या होता है, और रात को अलग ही सीन चलता है और दिन को अलग ही सीन चलता है। तो फटाक से जल्दी से हम पहुँचते हैं कोहलान आइलैंड, सॉरी जहाँ पे से फेरी मिलते वहाँ, और उसके बाद वहाँ से सीधा कोहलान आइलैंड। तो भाई हम पहुंच गए हैं पियर्स में, जहां से हमें बोट मिलेगी। तो यहां से हर तरह से बोट आपको मिल सकती है, स्पीड बोट भी मिल सकती है, नॉर्मल बोट भी मिल सकती है, पर जो हम लेने वाले हैं वो है नॉर्मल बोट, जो कि 30 बात में इधर से उधर ले जाएगी और उधर से आने के लिए 30 बात, मतलब टोटल 7 बात में आप आके आना और जाना आपका दोनों हो जाएगा। और इधर आप देखो स्पीड बोट लगी हुई है पूरी साइड में। तो ये है ग्रुप भाई एक माता नेम ताक रहा है ना। तो यहाँ पे लगभग हर तरह से आप जा सकते हैं, ग्रुप से जा सकते हैं, ग्रुप में ले सकते हैं, सिंगल जा सकते हैं, स्पीड बोट ले सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो मुझे दिख रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं भाई खाली इंडियन ही। अगर आप देखो इधर लेफ्ट साइड में एक अभी रुका हुआ है, इसमें देखो तो खाली इंडियन ही भरा पड़ा है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी नंबर ऑफ जो भी पीपल है ना, इंडियन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है। तो अभी हमें सबसे लास्ट में जाना है, जहाँ से हमें फेरी मिलेगी 30 बात में, जो हमें इस पार से उस पार कोहलान आइलैंड ले जाएगी सबसे सस्ते में। बाकी अगर आप स्पीड बोट करते हो तो उसका डेफिनेटली आपको चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट नॉर्मल बोट लोगे, हमें जल्दबाजी कुछ है नहीं भाई, आराम से बोट पे जाएंगे जो 30 वाली है। बोट में चल के 30 मिनट लेगी इस साइड से उस पार। अगर आप स्पीड बोट में जाते हो तो उससे मान लो 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। तो ये हॉर्न भी दिख सुनाई दे रहा है जाने का। तो फटाक से चलते हैं अभी। उधर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो, पट्टाया सिटी। कल उधर मैं टॉप पे गया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो वहीं का ही है। क्या व्यू आया था, अल्टीमेट नज़ारा ऊपर से जो व्यू पॉइंट है ना पटाया सिटी का, बहुत ही प्यारा सा है। पानी भी साफ लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। अब जल्दी से 30 बात की टिकट लेते हैं, बोट बड़ा सा बोट है उसमें चढ़ते हैं और सीधे हम लोग पहुँचेंगे कोहलान आइलैंड, जो कि 30 मिनट लेगी। ये भाई साहब एक बोट लेके आ रहे हैं, मछली पकड़ने वाला है यार। आइलैंड में अगर उमस ना हो
थाईलैंड का मज़ा ही नहीं है, थाईलैंड में आपको उमस मिलना ही मिलना है। इस तरह की बड़ी बोट होगी, इधर आप देख रहे हो, इस तरह की बड़ी बोट होगी। तो अभी 30 की टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा चलते हैं बोट पे। फोटो फोटो दिखा ले। क्या सर, थैंक यू भाई सर। ये देखो, अगर अब टाइमिंग की बात करो ना, तो ये टाइमिंग देखो, अब सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये बोट चलती है इधर से। टिकट देते हैं, तो भाई 30 बात दे दिया हमने और हम बोट की सवारी करने जा रहे हैं। ऊपर चले कि नीचे चले? मैं तो पसीना से भीग गया पूरा, इधर तो पूरा फुल है यार। कोई नहीं, बैठते हैं। तो भाई बैठ तो गया, फ्लाइट आ रही है, पता नहीं यार, अंधेरा आ रहा है, अंधेरा है यार। चलो फिर फाइनली बोट पे चढ़ गए हैं, अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से मूव होगी। फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं कोहलान आइलैंड। वहां से 11 बजे मूव हुआ था और यहां 11:50 में पहुंचा है, तो लगभग 50 मिनट लगे हैं यहां तक आने में। अब बोट से नीचे उतर रहे हैं। लाइव जैकेट तो बहुत सारे हैं, पर बहुत लोगों ने लाइव जैकेट पहना ही नहीं, क्योंकि बोट तो बहुत धीरे धीरे आता है ना, उतरने में भी लाइन लग रहा है क्योंकि भीड़ तो है यार। आज भी है पानी पानी। ये भाई कैप्टन का रूम, एक बेड भी है सोने के लिए इन सब। वो भाई सब लंगर लगा रहे हैं नीचे ताकि बोर्ड
डामाडोल नाम। ये कैप्टन साहब हैं, इधर बैठे इस बोट के कैप्टन। तो फाइनली पियर पे पहुंच ही गए, अब फिर धूप से सामना होने वाला हो गया भाई। सात आठ नौ, नौ के लिए थी भाई, नौ तो भाई पियर्स में आपका स्वागत है, कोहलान आइलैंड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यार, और बहुत लोग झूले में आराम से बैठ के झूले में मस्ती कर रहे हैं गर्मी में। अब जाके यार डुबकी लगाते हैं, मज़ा आएगा ना डुबकी लगाने में। उधर एक बीच दिख रहा है, इधर मेरे राइट साइड में भी बीच दिख रहा है, तो कहीं बीच पे चल के मजा लेंगे भाई स्विमिंग का, कोहलान आइलैंड में। तो भाई एक बीच में तो पहुंच गए हैं, और इसको मैंने हायर किया है जिसका 50 बात मिली है। तो ठीक है यार, अभी यहाँ पे सब कपड़े उपड़े उतार के फिर नीचे यहीं पे समंदर है ना, वहीं पे सीधा चलते हैं डुबकी लगाने के लिए। मन कर रहा है बहुत ज़ोर से, क्योंकि धूप बहुत कड़क है ना, जल्दी से जल्दी अंदर घुसने का मन कर रहा है, तो जल्दी से कपड़े खोलते हैं और सीधा चलते हैं अंदर। And fall.
मस्त भाई डुबकी उबकी लगा के रेडी होके तैयार यार होके अब जाने का टाइम भी हो गया लगभग। यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे यहाँ पे बिताया, अच्छा लगा यार, बट पूरा शरीर है ना जो बालू बालू हो गया है, तो अब जाके सीधा कहीं पे सावर लेना पड़ेगा, तभी तभी सुकून मिलेगा, तभी मज़ा आएगा। और ये सब जो बाइक आप देख रहे हो ना, ये सब जो बाइक आप यहाँ पर रेंट ले सकते हो 200 बात आपको देने पड़ेंगे, और टंकी तेल भी फुल करवा के देते हैं, तो ताकि आप जो आसपास का जो भी नज़ारा है ना कोहलाम आइलैंड में वो आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी भी कर रहे हैं, लाइक बनाना बोर्ड, जेट स्की, तो नहाने के लिए नहाने का तो मस्त है भाई, एकदम नहा के तो मज़ा आ गया, मतलब तंदुरुस्त हो गया। बस वही है, थोड़ा सॉल्टी वाटर है ना, तो सॉल्टी वाटर में थोड़ा सा तो लगता ही है ना। तभी मैं जा रहा हूँ फिर वही बोट, 30 बात वाली बोट लेके सीधा पटाया के साइड में। अच्छा था एक्सपीरियंस यार, पटाया तो ये करना बनता है यार, सही में ये नहीं करा तो आपने कुछ भी नहीं करा। तो अगर यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली आप ये ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी बादल है ना, अभी बादल आ गए हैं, जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे कड़क धूप था और मज़ा आ रहा था, अभी धीरे कुछ देर पहले ही बादल आ गए हैं तो थोड़ा सा वो लग रहा है। ये देखो भाई जहाँ हम अभी आए हैं कोहलाम आइलैंड, तो अब सीधा चल रहे हैं बोट पे और बोट से सीधा उस पार पटाया। Thank you.
तो भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां से हमने इस जर्नी की शुरुआत करी थी। तो मोटा मोटी आप ये मान लो कि जाने में आपको 50 मिनट लगेगा अगर आप नॉर्मल बोट लेते हो, और आने में आपको लगेंगे 50 मिनट। तो दोनों आप मान लो 100 मिनट आने और जाने के, और वहां पे अगर आप 2-3 घंटा रुकोगे तो उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके आप जा सकते हैं। पर ये चीज़ आप याद रखना कि जो लास्ट बोट चलती है वो चलती है कितने 6 बजे तक, तो रात शाम के 6 बजे तक लास्ट बोट चलती है, नहीं तो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अगर उधर से आना होगा तो 6 बजे के बाद। ऐसे भी यार शाम को वहाँ पे 6 बजे के बाद करोगे भी क्या, लगभग वहाँ पे है, ऐसे नहीं है, वहाँ पर रह भी सकते हो, होटल ये सब है उधर, अगर एक दिन के लिए आप उधर रह सकते हो अगर आपको उधर रुकना है तो, अदरवाइज़ 4-5 घंटे काफ़ी है यार। एक घंटा 1.5 घंटा आने जाने का ले लो और 2-3 घंटा वहाँ पे सही है। तो हम यहाँ से अब बाहर जा रहे हैं, पूरा नहाया भी नहीं अभी, लगभग आप सोचो ना कि सॉल्टेड वाटर में नहा के ही अभी भी पूरे शरीर में बालू भरा। तो भाई कोहलान आइलैंड के बाद हम आ गए हैं पटाया बीच। तो सोचा अभी थोड़ा सूरज ढलने में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना पटाया बीच को ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। पटाया बीच पटाया में एक तरह से बहुत फेमस है, और इस बीच में आप यहाँ से भी वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कोहलान आइलैंड जा सकते हो, जेट्स की राइड कर सकते हो, बनाना राइड कर सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे भी पटाया बीच में भी। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, क्योंकि ये यहाँ जो मेन अट्रैक्शन है ना सामने में ही है, तो यहाँ से आप सारी एक्टिविटी, ये देखो भाई शाम के सामने अभी डुबकी लगा रहे हैं, हम लोग तो डुबकी लगा के आ गए कोहलान आइलैंड से, और हम तो आ गए कोहलान आइलैंड से डुबकी लगा के, और ये भाई साहब अभी डुबकी लगा रहे हैं, शायद ज़्यादा ही गर्म लग रहा होगा। और जेट्स की राइट, ये देख, ये है जेट्स की राइट, ये जेट स्की इसका राइड कर सकते हो, बट थोड़े से स्कैम भी चलते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। स्कैम क्या है, अगर आप अकेले लेके जाओगे ना तो बहुत सारे, सब नहीं होते बट कुछ कुछ एक होते हैं ना यार, कि जब आप लेके आओगे ना तो बोलेगा यहाँ पे आपने टेंट लगा दिया, यहाँ पे ये नहीं था, वहाँ पे ये नहीं था, तो पैसे लेने के विचार में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको लगा देंगे। सब नहीं होते बट यार सब जगह कोई ना कोई ऐसा निकल ही जाता, तो सबसे बेस्ट अगर आप जेट स्की राइड करते भी हो ना तो आप उन्हीं को बोलो कि भाई आप चलाओ, और आप उनके पीछे बैठ के आप उसका राइड ले सकते हो। हाँ इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप चलाने का मज़ा नहीं उठा सकते, तो क्या हुआ यार, उसके हमसे बचना है तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग के लिए स्पेशल वो जगह बनाया हुआ है, जैसे मैं अभी उस जगह पे आ गया हूँ, जैसे ये देख रहे हो, ये जो गोल घेरा बना हुआ है ना, ये यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हो। मस्त यहाँ पे बैठ के आराम से चिल करो,